हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का नाश्ता बहुत ही मजेदार और हेल्दी बनने वाला है। इस नाश्ते को हम ढेर सारी सब्जियां और बहुत ही कम तेल से बनाएंगे, तो ये हुई ना टेस्टी भी और हेल्दी भी। इसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इसे आप बच्चे हो या बड़े लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की यम्मी सी रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए किचन की ओर चलें। इस नाश्ते को बनाने के लिए थोड़ी सी लौकी कद्दूकस करके लेंगे, थोड़ी सी गाजर को कद्दूकस करके लेंगे, छोटे से टुकड़े खीरे को भी कद्दूकस करके लेंगे, और ये छोटे से टुकड़ा शिमला मिर्च को भी कद्दूकस कर लिया है। अब इन सब्जियों में डालेंगे आधा कप सूजी, बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें एक बड़े चम्मच बेसन और एक बड़े चम्मच चावल का आटा डालेंगे और साथ ही नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो चलिए अभी इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते में आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी सब्जी को कद्दूकस करके डालिएगा। अभी हम थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसका गाढ़ा बैटर बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके जरूरत के अनुसार ही पानी डालेंगे, क्योंकि सब्जियों में भी थोड़ी सी पानी है। देखिए अभी हम इस तरह का गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। इस नाश्ते में हम सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सूजी को फूलने के लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। एक चम्मच लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर लिया है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और दो चुटकी बेकिंग सोडा। सूजी फूल कर गाढ़ी हो चुकी है, इसलिए हम थोड़ी सी पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर अगर गाढ़ी लगने लगे तो थोड़ी सी पानी और डाल दीजिएगा। और देखिए नाश्ता बनाते टाइम बैटर की थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने गहरे साइज की कढ़ाई ली है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ी सी तेल डालेंगे, थोड़ी सी सरसों के दाने, थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी तिल, 3-4 करी पत्ता डालकर इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। इन सभी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम कढ़ाई के सेंटर पे एक कलछी बैटर डालेंगे। देखिए बैटर को थोड़ी सी इस तरह से फैला लेंगे, ज्यादा नहीं फैलाएंगे क्योंकि इसे हमें मोटी ही बनानी है। अभी हम इसे 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने देंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और थोड़ी सी तेल डाल देंगे। तेल नाश्ते के ऊपर ही डालिएगा। अब इस नाश्ते को बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से, धीरे से पलट देंगे। वैसे तो ये नाश्ता पलटते समय बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, लेकिन कढ़ाई गहरा है तो पलटने में दिक्कत हो सकती है। इसे पलटने के लिए 2 चम्मच का मदद ले सकते हैं। दूसरी ओर भी अच्छी तरह से पकने देंगे। 1-2 बार और अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से नाश्ते को सेक लेंगे। इस नाश्ते में ढेर सारी सब्जियां हैं, तो सब्जियों को भी पकने में टाइम देंगे ना दोस्तों। इस नाश्ते को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाइएगा, तब जाकर अंदर की सब्जियां अच्छे से पकेंगी। देखिए एक नाश्ता बन गई है। इसी तरह से हम सभी नाश्ते को बनाएंगे। एक नाश्ते को सिकने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे। बैटर डालने के बाद एक बार ढककर ही पकाइएगा। इसके बाद पलट पलट कर अच्छे से सेक लीजिएगा। देखिए मेरे सभी नाश्ता बनकर तैयार हैं। इसे मैं गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनी है। इसे आप टमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। ये नाश्ता ठंडी होने के बाद भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी, इसलिए लंच बॉक्स में बड़े आराम से दे सकते हैं। तो सब्जियों से भरपूर इस हेल्दी नाश्ते को एक बार आप भी जरूर ट्राई करें। ये नाश्ता आपको जरूर पसंद आएगी। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इजी और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।